है गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मलिक कस्टम टेलरिंग वन। मैं हूं आपका दोस्त सलीम मलिक। दोस्तों, मैं आज आपसे काफ़ी दिनों बाद मुखातिब हुआ हूं। प्यारे दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए डबल ब्रेस का कोट का जो कॉलर होता है उसका पैटर्न किस तरीके से कटता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बेहद ही आसानी से इसके बारे में बतलाऊँगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा डबल ब्रेस का कोट है। ये जो हमारा नपेल बनती है, जो डबल ब्रेस की बनती है दोस्तों, आजकल ज़्यादातर सूटों में ज़रूरी नहीं होता कि हमारा नीचे से डबल ब्रेस हो या ना हो, लेकिन ये हमारी नपेल है कि जरूर डबल ब्रेस की बनती है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं इसको बतलाऊंगा आपको किस तरीके से इसकी नपेल का पैटर्न किस तरीके से कटता है, यानी कॉलर का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा कॉलर है, ये इसमें से हमारा कॉलर निकलेगा। ये गत्था है दोस्तों, तो आपको कहीं भी किसी जगह से भी गत्था मिल जाएगा, तो इसको आप देख लें और इसके जरिए से हम कोट का यानी कॉलर का पैटर्न काटेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी और वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हमारा कत्ता है, तो हम लिखते हैं इसमें COAT कोट और कॉलर। कोट का कॉलर, ये हमने इसका हमें पैटर्न बनाना है, तो हम आपको बतला रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा मार्कर लगना है वो फर्स्ट मार्कर लगता है 1 इंच पे। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, 1 इंच पे फर्स्ट मार्कर लगेगा, 1 इंच पे फर्स्ट मार्कर लगेगा, और जो सेकंड मार्कर है वो 1.5 इंच पे लगना है। दोस्तों, जो फर्स्ट मार्कर से जो लगाया था उससे 1.5 इंच पे पहला लगाना है 1 इंच पे, और इसके बाद वो जो 1 इंच का मार्कर लगाया है उससे लगाना है ऊपर 1.5 इंच। अब ये हमने दो मार्कर लगाए हैं, इन दोनों मार्कों के लिए हम स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारे मार्के स्ट्रेट हो गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब इस तरीके के बाद में अब आप समझिए किस तरीके से हम लोगों ने कोट अपना कोट का जो कॉलर का जिस जगह से काटना है उसका हिसाब बनाना है। दोस्तों, इस तरीके से हम बिछा लेंगे कॉलर के लिए। बिछाने के बाद में जी देखिए दोस्तों, नपेल जहां से टूटी हुई होती है इस तरीके से मार्के लगा लीजिए आप। एक लगाने के बाद में जो 1 इंच का हमने मार्कर लगाया है मेरे प्यारे दोस्तों, वो सबसे पहले उस मार्कर से एडजस्ट कर दीजिए सीधा सैंपल से। इस तरीके से हमने सीधा कर दिया। अब सीधा करने के बाद में कोई भी कैंची वगैरह भारी सब रख दीजिए ताकि कोट की नपेल इधर उधर नहीं हिले। अब दोस्तों, हमें जो नपेल के ठोकर जो ऊपर से छोड़ना है वो 1/2 इंच 1 सूत छोड़ना है, 1/2 इंच 1 सूत। अब छोड़ने के बाद में इस पेंसिल की मदद से हम मार्कर लगा लेंगे इस तरीके से। अब देखना, आप इस मार्कर लगाने के बाद में भी हमें एक चीज और ध्यान रखनी है इसके अंदर, कहां इसमें मार्जिन छोड़नी होती है। तो हमें जो मार्जिन छोड़नी होती है फ्रेंड्स, तो आप ये देखें जो हमने मार्कर लगाया था, इस मार्कर के लिए हम स्ट्रेट कर लेते हैं और इससे इस मार्कर से हम 1/2 इंच यानी इससे 1/2 इंच दूरी से एक मार्कर लाएंगे, यानी यहां पे मार्जिन छोड़ेंगे इस तरीके से। अभी हो गया हमारा। अब हमारा जो भी स्केल होता है से पट्टी वाला, उसको हम ले लेंगे और लेने के बाद में उस स्केल से सेव दे देंगे जो हमारा 1.5 इंच का मार्कर से जो मिला देंगे, जो 1.5 इंच का मार्कर लगाया था ऊपर वाला फ्रेंड्स, आपको याद होगा, उससे हम मिला देंगे। मिलाने के बाद में यहाँ पे हम गोलाई दे सकते हैं। काफी लोग क्या करते हैं कि गोल भी नहीं होता, यहाँ पे चौकोरी रहने देते हैं, तो वो भी हो सकता है, और गोल करना चाहे गोल भी कर सकते हैं। तो हम गोल रखते हैं क्योंकि हमारा हाला गोल है। अब इस तरीके से रखने के बाद में इसको काट लेंगे हम। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे दोस्तों हम आपसे और आप हमसे जुड़ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और आपका साथ बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और अगर आपको इसके अलावा कोई ऐसी वीडियो चाहिए जो मैं आपको नहीं दे पाता, उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वाली वीडियो भी बनाकर दूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो 1 इंच का मार्कर था उस मार्कर पर हम तोड़ देंगे इस तरीके से। इस तरीके देखिए आप, यह हो गया। और रखने के बाद में हम एक बार चेक कर लेंगे दोस्तों, जो फ्लीस यानी कि कितना बड़ा लेंथ चाहिए हमें कॉलर की। इस तरीके से रख लीजिए आप। रखने के बाद में दोस्तों, ये बीच का जोन होता है बैक में, तो इस जोन से हम मिला लेंगे पेंसिल की मदद से, चौक की मदद से इस तरीके से यहाँ पर।
अब हम एक मार्का लगा लेते हैं यहाँ पर, बुक स्टेट मार्का लगा लीजिए। लगाने के बाद में अब दोस्तों एक चीज और समझनी है आपको, ये समझना भी बेहद जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों आप वीडियो कहीं स्किप ना करा करें। देखो दोस्तों, दो सूत का एक मार्का लगा लीजिए इस तरीके से, यानी दो सूत या एक सूत का मार्का लगा लीजिए इस तरीके से। अब हमें ये तिरछा काटना है, थोड़ा सा आड़ा काटना होता है कॉलर का पैटर्न, ताकि हमारा कॉलर इस तरीके से नोक जाके निकल जाए पीछे को और बेस्ट बैठ जाए। अगर हम सीधा काट देंगे तो हमारा कॉलर सही नहीं बैठ पाएगा। तो मैं प्यारे दोस्तों बीच बीच में ऐसी जानकारी देता रहता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होती है, तो प्लीज मेरी वीडियो को जब भी देखा करें तो आप मेरी वीडियो को स्किप ना करा करें प्यारे दोस्तों, और मेरी वीडियो को फुल वॉच करा करें। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे कॉलर का पैटर्न काटने देखा, और इसके अलावा भी कुछ अलग सी वीडियो चाहिए होती है तो आप प्लीज मुझे बता दिया करें मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे वीडियो लाता रहूंगा। और अभी थोड़ा सा काम का प्रेशर हो गया है, आपको पता है ये सीजन चालू है, तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो बहुत कमी डाल पा रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, किसी भी प्रकार की आपको नॉलेज बढ़ाती है, तो प्लीज मुझे कमेंट करा करें, इससे क्या है कि मेरी हिम्मत बढ़ती है और मैं और वीडियो आपको बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।